इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जीएम मॉड्यूलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर, हैवल्स, पॉलीकैप, ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नंदन होटल के पीछे। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिवान जिले के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के हसनपुरा से आ रही है, जहां उसरी पुल के समीप सिमी ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, हसनपुरा थाना क्षेत्र के उसरी पुल के समीप सिमी ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 6 से 7 की संख्या में अपराधी इस ज्वेलर्स में घुसे, ज्वेलर्स दुकान में घुसे और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में लूटपाट की घटना कैद हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सिवान जिला के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के उसरी सिमी ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार से लैस अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 6 से 7 की संख्या में अपराधी दुकान में घुस गए और दुकानदार से पिस्टल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह अपराधी दुकान में घुसते हैं और वहां पे ग्राहक भी बैठे होते हैं, दुकानदार भी बैठे होते हैं, उन सब के बीच लूट की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि जो दुकानदार है युगल प्रसाद सोनी, वो अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। सिवान जिला के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के सिमी ज्वेलर्स का ये मामला है और सीसीटीवी में अपराधी। तमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान, तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। की सारी करतूत कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, पूरे मामले की जांच कर रही है, अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की बातें कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है सीसीटीवी कैमरे में, आप तस्वीरें देख सकते हैं, एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के उसरी पुल के समीप सिमी ज्वेलर्स है, जहां अपराधी घुसे हैं। 6 से 7 की संख्या में अपराधी घुसे हैं और हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। सिवान जिले की आज की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर, किस तरह अपराधी हथियार से लैस थे और सिमी ज्वेलर्स जो एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के उसी पुल के समीप दुकान में घुसते हैं और हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि कितने की लूट हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि वहां व्यापारियों में दहशत का माहौल है। सिवान पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है, एमएच नगर हसनपुरा थाना की पुलिस पहुंची हुई है। सिवान एसडीपीओ, अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड डीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड डीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। फिरोज आलम वहां पहुंचे हुए हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, कितने की लूट हुई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो दुकानदार युगल प्रसाद सोनी है वो भी कुछ बताने से इंकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस को, सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह सिवान जिले के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के उसरी पुल के समीप सिमी ज्वेलर्स में अपराधी घुसते हैं। 6 से 7 की संख्या में अपराधी हैं और घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। सर्वे लगे फोन कर रहे हैं, देखिए कितने कोई खाना लगे, सर्वे लगे
छोकरा पर समझना मैदान पूरा छोकरा का पिस्टल ले ले बैठे ये ये को कहने लाल का चेहरा बा गमछी जो गमछी गमछी लपेट लेवे का चेहरा ले बैठे एक चेहरा हेने से बाबू करे के पड़ी हेने से पड़ी कर ले हाँ देखी वो बोलो भाई सुनो ना एक मिनट रुका हम रिकॉर्ड कर देनी देखिए सर जो ऐसे पर लेकर भाग रहे हो ना वो थोड़ा हुसैन फोन